बात करेंगे चमोली की, जहां पर क्रिसमस और नए साल के आगमन की तैयारियों को लेकर चमोली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। बता दें कि नए साल के जश्न को लेकर हजारों की संख्या में पर्यटक जिले के पर्यटन स्थलों का रुख कर रही हैं, जिसकी वजह से क्रिसमस और वीकेंड के साथ ही पर्यटक इन दिनों विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा केंद्र ओली में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लग गए हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के चलते ओली के होटल और होमस्टे भरे पड़े हैं, जिसको लेकर एसपी रेखा यादव ने कहा कि क्रिसमस और नए साल की तैयारियों को लेकर पुलिस के द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, साथ ही बाहर से आने जाने वाले वाहनों पर खासी नजर रखी जा रही है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अभी आगामी न्यू ईयर क्रिसमस ईव के चलते ओली चूँकि हमारे यहाँ पर्यटन स्थल है, वहाँ पे भारी संख्या में पर्यटकगण आते हैं और बर्फ का आनंद वहाँ पर उठाते हैं। ओली अपने एडवेंचर स्पोर्टिंग आइस स्पोर्टिंग के लिए फेमस है और उसके चलते न्यू ईयर ईव और क्रिसमस ईव के आसपास लोग वहाँ भारी संख्या में आते हैं, जिसको लेकर के हमारे द्वारा पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ पर हम पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही जो रोड है उस पर बर्फ गिरने की वजह से पाला पड़ जाता है और स्केटिंग होने लगती है, उसके चलते भी हम सभी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि कैपेबल व्हीकल्स अगर उनके पास है 4x4 वगैरह अगर वो हो तो उसमें आए, अन्यथा यहाँ आने के पश्चात जिस भी माध्यम से आपको जो कैपेबल व्हीकल्स है उसी में ही आप ऊपर का अपना यात्रा उसमें करें। साथ ही जो हमारा रोपवे था पूर्व में आई आपदा के चलते वो बंद हो गया है और इस बार रोपवे काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको भी दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे स्नो सीजन का आनंद लेने के लिए आए। और क्योंकि रोड स्किड कर रहा है तो हम सब जगह जगह पे साइनेजेस वगैरह भी लगा रहे हैं और अनुरोध करते हैं कि जो भी दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे हैं आप उसका पालन करते हुए एंजॉय करेंगे।